इस धमाके से चीन की चिंता बढ़ गई है, तो वहीं अमेरिका के प्रतिद्वंदी खेमे में विशेषज्ञ इस धमाके को लेकर मंथन कर रहे हैं। दरअसल दक्षिण चीन सागर में लगातार बढ़ते चीनी दबदबे को खत्म करने के लिए अमेरिका लगातार हथियारों को तैयार करने में जुटा हुआ है। इसी कड़ी में अमेरिकी सेना ने अपने एक नए विमान वाहक पोत पर एक भीषण बम हमले के असर का परीक्षण किया है। बम का विस्फोट इतना भीषण था कि इससे समुद्र के नीचे भूकंप के झटके भी महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर जिसकी तीव्रता 3.9 मापी गई है। अमेरिकी एजेंसियों के मुताबिक इस बम का वजन 18,000 किलोग्राम था और इसे समुद्र के बीचों बीच विमान वाहक पोत गुराल्ड फोर्ट के पास गिराया गया था। इससे पानी के भीतर जोरदार धमाका हुआ और फिर एक भूकंप भी आया। अमेरिकी नौसेना ने ये टेस्ट पिछले शुक्रवार को फ्लोरिडा के डेटोना बीच से 100 मील की दूरी पर किया था। विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसा टेस्ट अपने आप में एक असामान्य घटना है। अमेरिकी नौसेना ने इसे फुल शिप शॉक टेस्ट करार दिया है। बताया जा रहा है कि अमेरिकी नौसेना ने बम को पानी के भीतर विस्फोट किया, जबकि उनका विमान वाहक पोत पानी की सतह पर था। इस टेस्ट से ये पता चला कि विमान वाहक पोत बम हमले को कितनी अच्छी तरह से झेल सकता है और युद्ध के दौरान ये कितना कारगर साबित होगा। आपको इस शिप की खासियत के बारे में बताएं तो अमेरिकी नौसेना का ये पोत विश्व का सबसे लंबा विमान वाहक पोत है। 22 जुलाई 2017 को यूएसएस गिराल्ड आर फोर्ड को औपचारिक रूप से अमेरिकी नौसेना में शामिल किया गया था। इस पोत का नाम पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति गिराल्ड फोर्ड के नाम पर रखा गया है और ये युद्ध पोत फोर्ड श्रेणी का पहला पोत होगा। वहीं अमेरिका के द्वारा इस श्रेणी के दूसरे पोत का निर्माण भी किया जा रहा है। खबरों के मुताबिक ये पोत अमेरिकी नौसेना में शामिल निमित्त श्रेणी के विमान वाहक पोतों की जगह लेगा। इसकी खासियतों के बारे में बात करें तो इसकी लंबाई 1092 फीट और चौड़ाई 134 फीट है। समुद्र में इसकी रफ्तार 30 नॉट से भी अधिक है। एक बार में इस युद्धपोत पर 4,500 से ज्यादा क्रू मेंबर सवार हो सकते हैं। इस युद्धपोत पर एक साथ 60 से भी ज्यादा लड़ाकू विमान तैनात किए जा सकते हैं। ऐसे में जानकार मानते हैं कि साउथ चीन सागर में चीन की दादागिरी को कम करने के लिए कहीं न कहीं ये पोत आने वाले समय में अहम भूमिका निभा सकता है। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में लेकर जरूर बताइए।